जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज का ये मेरा ब्लॉग था अपनी आज के बहुत ही बिजी स्केड्यूल के साथ। तो सुबह मेरी हुई थी सबसे प्यारी, इतना प्यारा दिन था कि आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत जल्दी उठी थी और इतना प्यारा मौसम था जिसमें फॉग दिख रहा था, पूरे चारों तरफ फॉगी फॉग था। बहुत अच्छा लगा इतनी जल्दी उठ के। सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी पी बाहर आके, बिकॉज़ बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और मेरी कॉफ़ी भी इत्तेफाक से बहुत टी टेस्टी बनी थी। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ आप, कितना हसीन मौसम था। ऐसा लग रहा था स्कूटी में जाओ घूमने और बिल्कुल आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हो, बट मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैं बहुत कम समय दे पाई इस मौसम को। और फटाफट मैं होने के लिए रेडी के लिए, बिकॉज आज शूट था, मीटिंग्स थी और साथ ही मैं आज कुछ न्यू भी प्लान किया हुआ था और कुछ आयुर्वेदिक दवाई बनाने की रेसिपी भी मुझे रेडी करनी थी। तो उसके लिए जो सामान लग रहा था उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशंस करनी थी। सो फाइनली मैं हो गई थी रेडी यहाँ पे। तो ये मैं हो गई नहा धो के रेडी, एंड देन मैं निकल गई थी अजय नाहटा सर की क्लासेस के लिए। ये मैं पहुँच गई नाहटा क्लासेस। सुबह सुबह मेरा शूट था आज, थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि उस गाड़ी ख़राब हो गई थी बीच में और मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, बट थैंक गॉड कि सर की खुद की एक मीटिंग निकल आई और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। मुझे दोनों चीज़ के लिए टाइम चाहिए था, एक तो मुझे अपनी गाड़ी बनवानी थी और साथ ही में मुझे वो टाइम चाहिए रहा था जहाँ पर मैं अपने शूट के लिए एक प्लेस, प्रॉपर लाइटिंग एंड जो भी मेरे पास है उसको मैं प्रॉपर वहाँ पे मैनेज कर सकूँ। तो वहाँ के स्टाफ से मैंने थोड़ी सी हेल्प ली और जो समय बचा मैंने उसको सेटअप के लिए अरेंज किया और साथ ही मैंने अपना एक दो रील्स बनाए हैं। और चूंकि वो क्लासेस थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँ। अच्छा था ऑल ओवर एक्सपीरियंस और इनकी क्लास बहुत अच्छी है। ये मैं करने चालू कर दी शूट की तैयारी जब तक सर आ रहे थे, तो मैंने सेटअप किया सो दैट हमें ज़्यादा टाइम उसके बाद ना लगे। और जल्दी से जल्दी मैंने प्रिपरेशंस कर ली कि क्या क्या लग सकता है, ट्राइपॉड से लेके मेरी रिंग लाइट और सारी चीज़ें जो जो मुझे रिक्वायर्ड थी मैं अपने साथ कैरी करके गई थी, बिकॉज सबके पास सारी चीज़ें होती हैं बट लाइट्स अगर प्रॉपर ना हो, और चूँकि मेरे पास कैमरा इतनी क्वालिटी वाला फ़िलहाल नहीं है मेरे पास, सो मैं अपने लाइट्स के हिसाब से ही उसको मैनेज करती हूँ सो दैट इतना ज़्यादा प्रॉपर गंदा भी ना लगे और अच्छा भी जो मैं दिखाना चाह रही हूँ एटलीस्ट वो क्वालिटी मुझे मिल जाए। सो फाइनली एक कंप्लीट इंटरव्यू के बाद सर ने फाइनली एक टच दिया था इस चीज़ के लिए कि अपने गेस्ट को हम यूज़ कर रहे थे सो दैट मैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उनका अनाउंसमेंट करता हूँ कि वो बहुत ही जल्दी इंटरव्यू के साथ मेरे चैनल पर अपनी डेफिनेशन के साथ आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी व्लॉग्स के अलावा आप हमारे डेफिनेशन शो के अंडर में बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जो अपनी डेफिनेशन खुद साबित कर चुके हैं और अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं इजीली। उतने उन लोगों ने इतना अचीव किया हुआ है लाइफ में, फिर इतना अच्छा मौसम था, मैं इसको कैसे मिस कर सकती थी। फिर मैंने वहाँ गाड़ी छोड़ी और ऑटो करके मैं घर की तरफ आई। इतना प्यारा मौसम था, मैंने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुझे बनाना है अपने बेबी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तेल जिससे उसको और ज़्यादा ताकत मिले, उसको अच्छा लगे और वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से चलने फिरने लगे। सो मैंने बनाया ये तेल। इस तेल की रेसिपी मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, अपने अगले व्लॉग में इस तेल के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप भी अपने घर पर ये बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो तेल के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो हम कलेक्ट कर चुके थे ऑलरेडी 2 दिन के अंदर। कुछ कुछ चीज़ें पेंडिंग थी वो हमने कलेक्ट कर ली और फाइनली मैंने आज ये तेल बना लिया। मैं 2 दिन से वेट कर रही थी इस चीज़ों का, बट कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी इसलिए वो रुकावटें आ रही थी। और फाइनली आज मैंने प्लान में था कि कुछ नया करूँगी, तो मैंने भजन संध्या करी। मेरे घर पर ही बहुत सारे ऐसे और भी लोग, किराएदार वगैरह है, जो जिनको मैंने इन्वाइट किया अपने घर पर और भजन संध्या की। भजन संध्या मीन्स मुझे कान्हा जी के सॉन्ग्स पे हनुमान चालीसा वगैरह मिलकर सुनना था उन सबके साथ में, तो मैंने वो भी किया। और चूंकि बच्चे भी हैं तो उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दी वहाँ पे। तो इन शॉर्ट हमारा इवनिंग भी इतना अच्छा गया है आज का, माइंड ब्लोइंग सब अच्छे से हुआ आज का दिन। और आगे भी मैं कुछ नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जोड़ती रहूँगी और आप लोगों को बताती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।